नमस्कार सभी साथियों को, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को भी जीवन उत्साह न्यूज की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत लंबे समय से मैं आपके बीच में नहीं आ पाया, लगभग 4-5 महीने हो गए, और इतना लंबा गैप होना अपने आप में एक बहुत एक अलग सी एक बात रहती है। किंतु इस गैप के पीछे जो कारण था वो मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों को जानकारी भी होगी, और शायद मैंने अपने पेज पर लगातार ये अपडेट भी किया है कि पिछले 4-5 महीनों से मैं काफ़ी समस्या में चल रहा था। मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, और लेकिन अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, और शायद अभी थोड़ा टाइम और लगेगा मुझे। मुझे उम्मीद है कि मैं शायद 2-1 महीने में वापसी करूँगा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा टाइम, क्योंकि घर पे ही मुझे लगा है कि मैं ले सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, तो आपके बीच में मैं आने का प्रयास करूंगा और चर्चा करेंगे हम उन सभी मुद्दों पे जो लगातार हम करते आए हैं। जीवन उत्साह न्यूज़ का विश्वास भरोसा जो है वो आज भी लोगों पर कायम है, और मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल आते रहते हैं। मैं हालांकि बीच में लोगों के कॉल नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी थी, लेकिन लोगों के फिर मैसेज आ जाते हैं, व्हाट्सएप आ जाता है या फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज आ जाते हैं। किसी ना किसी तरह से लोग संपर्क करने का प्रयास करते हैं, और अपनी जो समस्याएं लोगों की होती हैं उन समस्याओं को सरकार के सामने या उनके समाधान को लेकर वो लोग एक्सपेक्टेशंस करते हैं। और मैं समझ सकता हूं कि ये सब चीजें एक कॉमन मैन के लिए बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि उसको एक कोई ना कोई माध्यम चाहिए समाज तक या सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का, चाहे वो पंचायतों के मुद्दे हों, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, या किसी भी तरह से कुछ चीजें हों। डेफिनेटली हर व्यक्ति कोशिश करता है कि अपनी बात को उस जगह तक पहुंचाया जाए जहां पर उसको जरूरत है। और मैंने ये समझा है कि मीडिया पर लोगों का ये विश्वास है भी कि मीडिया जो है वो उनकी बात को वहां तक रखेगा, लेकिन मीडिया आजकल जितनी चाटुकारिता और चापलूसी में है, जितना कि उसको जरूरत है समाज की बातों को ऊपर रखने की, वो रख नहीं पाता है। और कहीं ना कहीं मीडिया एक केवल प्रोफेशन, एक धंधा बन के रह गया है। और जाहिर सी बात है कि धंधा तो कहीं ना कहीं मीडिया को बनाना ही सरकार का मोटिव था कि बनाना भी है, क्योंकि अगर धंधा नहीं बनाएगी सरकार तो फिर उसके विरुद्ध कहीं ना कहीं खड़ा हो जाएगा सारा समाज। लेकिन जीवन उत्साह न्यूज ने हमेशा अपनी पत्रकारिता को एक अलग स्तर पर रखने का प्रयास किया है, और ये सिद्ध भी किया है कि जो हमारे मुद्दे हैं, जिस मुद्दों को हमने सरकार या समाज के बीच में रखा, उनका समाधान भी हुआ, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई जो लोगों के लिए एक मार्गदर्शन भी बनी। आपको याद होगा जब 2017 में 2019 में सॉरी जब मैंने जीवन उत्साह न्यूज को शुरू किया था, तो मेरे ऊपर कई अखबार वालों ने, कई उस टाइम के पत्रकारों ने मेरे पर कंप्लेंट थानों में देकर दर्ज करा दी थी कि ये व्यक्ति जो है वो पत्रकार नहीं है, सोशल मीडिया पर ये पत्रकार कैसे हो सकता है। और उस टाइम क्योंकि सोशल मीडिया पे वाकई में ही पत्रकारिता करना एक नया काम था, नया प्रयास था, और उस प्रयास को जब हमने किया था तो उस प्रयास के माध्यम से हमने बहुत ज्वलंत मुद्दों को सामने रखा था, चाहे वो सड़कों के मुद्दे थे, पीडब्ल्यूडी को लेकर मुद्दे थे, और बहुत सारी चीजें थी। मतलब मैं ऐसे ऐसे चीजें आपके सामने रख सकता हूं कि उस समय कुछ मतलब डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों ने तो मुझे व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी गलतियों को माना था, और अपनी गलतियों पर जीवन उत्साह न्यूज का धन्यवाद किया था कि आपने हमें जागरूक किया और हमें आपने इस तरह के मुद्दों के ऊपर जागरूक किया है। मेरे पास आज भी व्हाट्सएप मौजूद हैं, जब अधिकारियों ने मुझे इस तरह के मैसेजेस करके अप्रिशिएट भी किया था, और उन्होंने ये माना था कि जीवन उत्साह न्यूज जो काम कर रहा है वो अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, पत्रकारिता का नया रूप है। खैर, ये सब चीजें तो ज्यादा मुझे लगता नहीं है डिस्कशन करने की है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जीवन उत्साह न्यूज ने किस तरह के मुद्दों को कितना रिस्क लेकर जो है वो हमेशा उठाने का प्रयास किया है। और मेरा मोटिव भी हमेशा यही रहा है कि समाज में जो जागरूकता है वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप से बनी रहे। कुलदीप चंद्र राणा जी, नमस्कार सर, आप नमस्कार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, नमस्कार सर। और
यही वजह रही है कि इतने लंबे समय दूर रहने के बाद में, क्योंकि मैं लगभग 2-2.5 साल से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी जिंदगी की अपनी परेशानियां रहती हैं। क्योंकि मैं दिल्ली से आया था तो मुझे यहाँ सेटल भी होना था, तो मुझे अपना घर वगैरह भी बनाना जरूरी था, और कोई फैमिली में और है नहीं कि जो वो पीछे इतनी हेल्प कर पाता, तो अपने आप को ही मैनेज करना था। तो मैं 2 साल तो लगभग अपना घर बनाने में और सब चीजों में मैनेज करने में लगा रहा। फिर जब मैं वापसी आया तो फिर कहीं ना कहीं मेरे साथ एक चैलेंज आ गया, और मेरी घर पे बेटी बीमार होने की वजह से 4-5 महीने से अभी मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपरली। लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ कि जितना मैं कर सकता हूँ, जितना समाज के लिए मैं कर सकता हूँ, उतना करने का कोशिश करता हूँ। मेरा आप लोगों से हमेशा ये निवेदन है, चाहे वो जीवनसार न्यूज के दर्शक हैं या कोई भी लोग जो इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं हमेशा एक बात कहना चाहता हूं कि अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाना सीखिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी आवाज कितने बार उठा सकता है? एक बार उठाएगा, 2 बार उठाएगा। जब आप खुद अपने हकों की, अपने जरूरतों की आवाज उठाना शुरू करेंगे, तब आप अपने आप समाज में एक जागरूकता के विषय बन जाएंगे, एक चर्चा का विषय बन जाएंगे। हाल ही में मैं बड़सर के कुछ न्यूज को मैं लगातार देख रहा हूं, तो मैं एक व्यक्ति की तारीफ बहुत ईमानदारी से बिना किसी पक्ष लिए निष्पक्ष रूप से करना चाहता हूं। परमजीत डढ़वालिया जी आजकल जो करप्शन के मुद्दों पर बहुत ही निडरता से फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हालांकि बात वही है कि पूरा सिस्टम इतना करप्ट है कि उनको उनकी आवाज के जो परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। एज यूजल, जैसे चाहे वो जीवनसार न्यूज हो, चाहे वो कोई भी आवाज उठाने वाला व्यक्ति हो, उसको नहीं मिलते हैं। मैं आप लोगों से, समाज से एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, निष्पक्ष होकर निडरता से आवाज उठाने वाले लोग आपके पास है नहीं, और जो हैं थोड़े बहुत, अगर उनको भी आप नहीं बचाओगे तो आपकी आवाज उठाने वाला व्यक्ति मिलेगा नहीं। कोई व्यक्ति समाज में अगर भ्रष्टाचार की, अन्याय के विरुद्ध अगर लड़ाई कर रहा है, खड़ा है, तो आप लोगों को एटलीस्ट उसको मॉरल सपोर्ट तो जरूर करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग पार्टी से जुड़े होते हैं, अपने अपने फायदे के हिसाब से वो लोग कमेंट करते हैं, उन लोगों को लगता है कि ये सब ऐसी चीजें, तो खैर उनका अपना पक्ष हो सकता है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, समाज के लिए कोई व्यक्ति आवाज अगर निष्पक्ष रूप से, निस्वार्थ होकर उठा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। वो कोई आसान कार्य नहीं है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जो लोग कई बार कमेंट करते हैं, जो लोग कई बार टिप्पणियां करते हैं इस तरह की, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप भी समाज के लिए कुछ इस तरह का प्रयास करें, तो इस समाज में जो गंदगी है, समाज में जो भ्रष्टाचार, जो इनजस्टिस लोगों को होता है, वो कहीं ना कहीं उससे मुक्ति मिल सकती है। और जब तक यूनियन नहीं है, जब तक यूनिटी नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, इस देश की आजादी की लड़ाई अगर लड़ी गई तो यूनिटी से लड़ी गई। अगर एकता नहीं होती तो हम आजाद नहीं हो पाते, आज भी गुलाम होते। आपने आज से पहले बहुत सारे ऐसे देखे होंगे जब कानून लाए गए, आपको याद हो 1992-93 में एक आरक्षण का कानून लाया गया था, उस समय भी एक यूनिटी हुई थी और बहुत बड़े स्तर पर यूनिटी के साथ में उस कानून को बहिष्कार किया गया था, हालांकि वो बाद में बन गया, वो बात अलग है। आपने किसान आंदोलन देखा होगा, यूनिटी हुई तो उस कानून को वापस लिया गया। अभी आपने एक नया एक्ट आपके देख रहे हैं, ड्राइवर्स को एक्सीडेंटल के लेकर जो कानून बना था, उसको भी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी उसके लिए थोड़ा सा उसको रोका है, उसको लागू करने से। दूसरी चीज ये है कि कई बार जागरूकता प्रॉपर नहीं मिलती है, लोगों को जानकारियां नहीं मिलती हैं, तो इसलिए नहीं होती हैं। तो ये जो मीडिया है, ये आपको प्रॉपर जानकारियां देता है, चाहे वो जीवनोत्साह न्यूज के माध्यम से मिलती हैं या किसी और चैनल के माध्यम से मिलती हैं, चाहे वो परमजीत वालिया के माध्यम से मिलती हैं, आपको पता लग रहा है कि समाज में क्या हो रहा है। देखिए, ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना परमजीत डटवालिया कुछ कर सकते हैं। हम तो आवाज ही उठा सकते हैं, समाज तक, सरकार तक आवाज पहुंचा सकते हैं कि यहां पर गलत हो रहा है, ये चोरी हो रही है। अगर सरकारें सब देखने के बाद में मूक बधिर हो जाएंगी, सब कुछ देखने के बाद अंधी हो जाएंगी, तो फिर आम आदमी क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। आम आदमी की इतनी ही हिम्मत बहुत है कि वो आवाज उठा रहा है। तो ये बड़सर ही नहीं बात कर रहा हूं मैं हर जगह की बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं ये समाज का
जिम्मेवारी है। अब वो जिम्मेवारी जीवन उषा न्यूज ने ली है या परमजीत डटवालिया ने ली है या फिर और लोगों ने ली है जो आज इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलर और लोगों की तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जो कर रहा है उसका नाम लेना में कोई बुराई नहीं है, उसका मेरा कोई व्यक्तिगत लालच या कोई बेनिफिट नहीं है उसको लेकर। मैं सपोर्टर हूं हर व्यक्ति का जो समाज के लिए काम करेगा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ेगा, न्याय के विरुद्ध लड़ेगा, उसका मैं सपोर्टर हूं। और मैं दोस्तों आपको बताऊं कि मेरा ये प्रयास लगातार चलता भी रहा है और मैं चलता भी रहा हूं और चलता भी रहेगा। जीवनोत्साह न्यूज के साथ साथ में मैंने एक संगठन का निर्माण किया है, राष्ट्रीय एकता बल। उस संगठन को भी हमें अभी फॉर्म में लाना है, क्योंकि थोड़ा सा बीच में मैं शुरू किया था उसको करने के लिए, लेकिन शायद परमात्मा को अभी मंजूर नहीं होता है। कई बार कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो वो 4-5 महीने मेरे इस समस्या में फिर निकल गए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी ही 1-2 महीनों में और मैं फ्री होकर थोड़ा सा अब उस संगठन को भी लेकर चलूंगा, जिसके अंदर हम ब्लॉक वाइज लोगों को और अन्याय और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एकत्रित करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, लोगों को चलने के लिए खर्चा करना पड़ता है, पैसे चाहिए होती हैं, टाइम चाहिए होता है, बजट चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होता है, सुरक्षा चाहिए होती है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो राष्ट्रीय एकता बल एक संगठन जो हमने बनाया है, संगठन के माध्यम से अभी हम ब्लॉक वाइज लोगों को इकट्ठा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि एक ब्लॉक में अगर 10-15 लोग भी इकट्ठे हो जाएं और वो लोग अन्याय और भ्रष्टाचार और उन लोगों के लिए काम करना शुरू कर दें जो लोगों को जरूरत है काम की, तो मुझे लगता है कि लोगों के काम, देखिए अगर रमेश शर्मा अकेला, परमजीत डटवाली अकेला समाज के लिए बोल सकता है, तो मुझे लगता है 10-15 लोग अगर पूरे ब्लॉक में मिलकर बोलना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं, बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। गरीब आदमी का काम भी होगा, सरकारी दफ्तरों में जो चक्कर काटने पड़ते हैं और जो करप्शन होता है वो भी हो जाएगा, और जो मैं देखा है कि जो डिपार्टमेंट्स के अंदर जो धांधलेबाजी चलती है, टेंडर पुलिंग की चलती है, या कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को कार्य मिलते हैं, बाकी ठेकेदार सिर्फ इस बात से डरे रहते हैं कि यार अगर मैं बोलूंगा तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी हमारे संगठन के साथ खड़े हो जाएंगे तो आपको भी काम मिलेगा और आपकी योग्यता के अनुसार मिलेगा। देखिए अभी तक तो क्या है ना कि 4 लोगों को काम मिलता है, वो 4 लोग कौन होते हैं, वो 4 लोग सिर्फ एक चमचे चौकीदार होते हैं, और बाकी लोग इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि उनको ये डर रहता है कि अगर बोलेंगे तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि समाज के अंदर एक बैलेंस नहीं बन पा रहा है। देखिए जीवन उत्साह न्यूज की या परमजीत डटवाली जैसे लोगों की जरूरत क्यों है समाज को, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग जागरूक हैं, आप लोग अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, तो इनकी जरूरत ही नहीं है। इनकी जरूरत इसलिए है क्योंकि ये लोग समाज को लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहना चाहिए। अपने काम धंधे, अपनी नौकरियां करिए, लेकिन समाज में गरीब आदमी का कार्य हो जाए, गरीब आदमी को उसका हक मिल जाए, जरूरतमंद को उसकी जरूरत के अनुसार रोजगार काम मिल जाए, मतलब उसको इनजस्टिस ना मिले। वो पुलिस स्टेशन में जाए, उसकी शिकायत है तो उसको सुना जाए, पंचायत में जाए, उसका कार्य होना है तो उसका हो जाए, अगर उसका एलिजिबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सिफारिशी बात कर रहा हूं मैं, उसका काम अगर एलिजिबिलिटी में है, अगर किया जा सकता है तो किया जाना चाहिए। तो इस तरह के कार्यों को लेकर ये संगठन काम करेगा, और इस संगठन में हमें कुछ लोगों की जरूरत है। मैं तो आह्वान करूंगा कि जो लोग किसी भी जगह पर रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के किसी भी ब्लॉक में रहते हैं, जैसे मान लीजिए 68 ब्लॉक हैं, 68 ब्लॉक में कहीं भी कोई व्यक्ति अगर हमारे संगठन के साथ जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। उस संगठन की ताकत और संगठन में काम करने का तरीका, एक ब्लॉक में अगर 15 से 20 लोग भी सिर्फ जुड़ जाएं, मैं 10 से 20 लोग बोल रहा हूँ, जुड़ जाएं, बहुत सारे परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, और उन परिणामों की वजह से आप समाज के लिए अच्छा तो कर ही पाएंगे, अपनी भी खुद की पहचान और समाज के लिए एक अच्छी पहल कर सकते हैं। तो जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं परमजीत डटवालिया जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बड़सर को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। शायद कुछ समय तक मैं इन्वॉल्व नहीं रहा तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो हलचल हो रही है, अदरवाइज पत्रकारिता नाम तो खत्म हो गया था। मुझे याद है एक टाइम जब जीवन उत्साह न्यूज ने पत्रकारिता शुरू की थी, तो पहले 2 साल 2.5 साल के अंदर बड़सर को मीडिया का एक हब माना जाने लगा था, ट्रेंडिंग हब माना जाने लगा था कि मीडिया कोई है तो बड़सर में है। सच बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जानते हैं। लेकिन हम भी बहुत सारी जगह मजबूर रहे, क्या कर सकते हैं, अकेले व्यक्ति कुछ लड़ नहीं सकते, अकेला व्यक्ति बहुत ज्यादा कुछ चीजें कर नहीं सकता, सारा सिस्टम करप्ट है, पूरी तरह से करप्ट है। अगर पूरे सिस्टम का, मैं बोलता हूं ईमानदारी से, अगर कोई सरकार आए और पूरे सिस्टम का ऑडिट करा देना, पूरे सिस्टम का, मुझे पता नहीं अब इसकी पीछे क्या वजह है, लेकिन अगर ऑडिट हो जाए ना तो करोड़ों रुपए के घोटाले तो पंचायतों में निकल जाएंगे साहब।
मैं कल के भी वीडियो में बता रहा था कि मेरे हिसाब से लगभग लगभग 20% पंचायतें जो हैं वो कहीं काम करने में सक्षम हो रही हैं, जो कर रही हैं, जो कहीं मतलब उनमें भी बेचारों को दिक्कत है कि वो मनरेगा में कैसे सेटलमेंट करें, कैसे 60-40 के रेशियो को मेंटेन करें, कैसे कैसे वो मतलब बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे होंगे। वो भी 80% पंचायतें जो हैं वो मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि वो करप्शन में जानबूझकर मजबूरी में फंस गई हैं, वो चाहकर भी नहीं निकल पा रही हैं। अब वो चाहे पॉलिटिकल प्रेशर हो, चाहे वो किसी तरह का भी उनकी नीयत खराब हो, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। रही बात बाकी डिपार्टमेंट्स की, पीडब्ल्यूडी की, आईपीएच की या फॉरेस्ट विभाग की, तो वो तो आपके सामने सब कुछ है ही। पीडब्ल्यूडी के चिट्ठे हमने आपके सामने खोले ही हैं, सड़कें जो खराब हो जाती हैं उनकी मेंटेनेंस अगर 2 साल की होती है तो पैच वर्क ही उसका साल में 2 साल में एक बार कभी किया गया इतने तो कोई नहीं याद करता, भूल जाते हैं। 5 साल के लिए जो सड़कें टेंडर पे दी जाती हैं, रख रखाव के लिए दी जाती हैं, बनाने मेंटेनेंस पे दी जाती हैं, उनमें कभी 5 साल में एक आध दो बार पैच लग गए, वो भी किसी ने मीडिया ने खबर उठा दी, किसी ने बड़ा ही जोर लगा दिया तो उठा दिया, अदरवाइज वो कोई नहीं पूछता है। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे समाज को कहीं ना कहीं पीछे ले जा रही हैं, और इन सब चीजों की वजह से ही अच्छे लोग जो काम कर सकते हैं समाज के लिए वो पीछे हट जाते हैं। तो आम आदमी की जिम्मेवारी होती है कि वो भी इसमें शामिल हो। जीवन उत्साह न्यूज का भरोसा जो लोगों का है उस पर वो मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि वो बना रहे। चैलेंजेस तो मुझे हैं क्योंकि 4-5 महीने से लगातार मैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहा हूँ, बहुत ज्यादा चैलेंजेस में रहा हूँ। आप समझ सकते होंगे कि घर में जब बच्चा बीमार रहता तो और परिस्थिति ऐसी रहती है तो फिर क्या होता होगा। पर फिर भी चलो मैं मानता हूँ कि वो एक मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, समाज में जुड़ा हुआ हूं तो समाज में डिस्कशन करना जरूरी होता है, अदरवाइज समाज के लिए काम करने में हमने कभी भी अपने आप को पीछे नहीं हटाया है। आज भी कभी कोई व्यक्ति कॉल करता है फोन पे, कोई उसका समस्या का समाधान करना होता है तो किसी कर्मचारी अधिकारी को बोलकर उसकी समस्या का जो कोशिश हम समाधान करा सकते हैं करा देते हैं, और कई अधिकारी भी बहुत अच्छे हैं, कर्मचारी हमारे बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको कोई काम बोले तो कभी मना नहीं करते हैं, वो कर देते हैं, और अच्छी बात है, वो करना तो समाज के लिए वैसे भी है, लेकिन कर देते हैं तो एक और भी एक प्रेरणा मिलती है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी भी हैं। राष्ट्रीय एकता बल के माध्यम से हम उन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी सामने लाएंगे जो काम करने में निपुणता रखते हैं और काम करते हैं, आने वाले टाइम में उनको भी हम अप्रिशिएट करेंगे। जो भी हमारे पास कार्य आया करेंगे, लोगों की शिकायतें आया करेंगी, वो शिकायत उनके पास भेजा करेंगे, हम कितने दिन में वो सोल्यूशन करते हैं और वो सोल्यूशन कर देते हैं तो उनका भी अप्रिशिएशन किया जाएगा, और जो लोग नहीं करेंगे उनका तो फिर आपको पता ही है रास्ता क्या होता है और किस तरह से उनके साथ डील करना चाहिए और किया जाता है, वो वैसे ही किया जाएगा क्योंकि जैसे वो तैसा। जो कर्मचारी, जो अधिकारी किसी आम आदमी के कार्य को ईमानदारी से करता है तो उसको अप्रिशिएशन भी मिलेगा, और जो आदमी टालमटोल करता है, जो आदमी अपने आप को बस सोचता है कि भी मैं अधिकारी हूं और मैं जो कर सकता हूं वही करूंगा, उसका ठीक करने का रास्ता भी हमारे पास है, और वो रास्ता बहुत अच्छा है। पब्लिक में उनकी जितनी बेइज्जती होगी वही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए बेशर्म लोग भी हैं कुछ, वो बेशर्म के सर पे वो क्या बोलते हैं, पेड़ उग जाए तो बोलता छांव होगी, तो ऐसे भी कुछ हैं, तो उनको भी ठीक करने का रास्ता है। ये तभी हो सकता है जब कुछ लोग मिलकर एक होकर इन सब चीजों में काम करेंगे, और अब समाज में वक्त भी आ गया है जब लोगों को एक होना चाहिए, ज्यादा नहीं मैं कहता हूं लेकिन कुछ लोग भी अगर साथ में करें तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। आपको देखकर और 4 लोग जुड़ेंगे, और 4ों को देख के और 4 जुड़ेंगे, तो ये मेरा मानना है कि आप सब लोग इसको लेकर थोड़ा सा तैयार हो जाइए। जीवन उत्साह न्यूज पर आप हमेशा विश्वास रखिए, इस विश्वास को हम कभी टूटने नहीं देंगे, ये हमारा भरोसा है। जितना भी कर सकते हैं, थोड़ा करेंगे, ज्यादा करेंगे, लेकिन करेंगे, चाहे बड़सन में ही करेंगे लेकिन करेंगे। तो जो लोग ये सोचते हैं कि जीवन उत्साह न्यूज खत्म हो गया है, इतना दिमाग पे जोर न डालें, जीवन सा न्यूज को खत्म करना और होना शायद जब तक तो वो परमात्मा चाहेगा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये बात तो जरूर है कि कुछ करप्ट लोगों के दिमाग में ये जरूर चला गया है कि हाँ यार अब तो बस वहां से थोड़ी मुक्ति मिल गई है। शायद वो मुक्ति आपके कर्मों से मिली हो, लेकिन जब आपके कर्म फिर दोबारा खराब हो जाएंगे तो शायद वो मुक्ति भी नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ईमानदारी से समाज के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ जुड़िए। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो, मेरा नंबर वैसे आपके पास है भी, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर भी
नंबर शेयर कर देता हूँ। ये देखिए आपको यह नंबर शेयर होना शुरू हो गया है, आप यहाँ पर इस नंबर पे भी मुझे संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर पे शेयर करिए आप मेरे साथ में। कभी कोई डिस्कशंस हैं, आपके कोई इश्यूज हैं, वो भी आप भेजिए व्हाट्सएप के माध्यम से। अभी मैं ग्राउंड पर तो नहीं उपलब्ध रह पाऊंगा, अभी मुझे 1-2 महीने और लगेंगे ग्राउंड पे आने में, लेकिन जब तक मैं ग्राउंड पे नहीं हूं, मैं लाइव के माध्यम से ही या आपके समस्याएं जो मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से आएंगी उसके माध्यम से ही किसी अधिकारी से कर्मचारी से बात करते हुए मैं लाइव बात किया करूंगा। यहीं से ही उनको मैं, जैसे अभी लाइव हूँ, लाइव करके ही मैं सीधा कॉल करूंगा अधिकारी को और उस समस्या का उनके सामने मैं व्हाट्सएप के माध्यम से जिक्र करूंगा, उनको भेजूंगा और उनसे कमिटमेंट लूंगा कि सर कितने टाइम में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर उस समस्या का कमिटमेंट जो वो करेंगे, उस कमिटमेंट के अनुसार हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारा राष्ट्रीय एकता बल संगठन है, उसके माध्यम से हम इसको काम को करेंगे और इसकी डिटेल जो है सभी अधिकारियों को, हम डीसी महोदय को, एसपी महोदय को और हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों को लगभग अभी भेज देंगे। कुछ को हमने भेज दिया है, कुछ को नहीं भेजा है। हमारा संगठन कैसे काम करता है, किस तरह से संगठन लोगों की मदद करता है और क्या क्या चीजें इसमें उपलब्ध रहती हैं, वो सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, यहाँ पर हमारे साथ कुछ कमेंट आए हैं, उनको मैं जवाब देना चाहूंगा। कुलदीप जी से मेरी बात होगी, नमस्कार सर। मेरी यहाँ पर पूछा है, सपना शर्मा जी हैं, आपकी बेटी को क्या हुआ था? जी वो थोड़ा बीमार हो गई थी, उसके थोड़ा दिमाग में बुखार जिसको आप बोलते हैं, उसकी वजह से वो काफी दिक्कत है। संजीव मोदगिल जी कह रहे हैं, धन्यवाद सर, एक्सीलेंट वर्क, थैंक यू सर। शीला सिंह जी कह रहे हैं, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। आप सब लोगों का प्यार भरोसा हमारी प्रेरणा होती है। देखिए हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, लेकिन जो जीन्स, जो डीएनए हमारे अंदर है कि उसमें समाज के लिए कहीं आवाज उठानी है, लड़ना है, तो वो बाय डिफॉल्ट है। हम कोई भी काम कर लें उसमें वो आएगा ही आएगा, चाहे वो मीडिया का कर लें, चाहे वो सोशल वर्क का कर लें, चाहे वो किसी भी तरह का कार्य हम कर लें, उसमें ऑटोमेटिकली वो चीज आ जाएगी, क्योंकि इंसान के गुण उसके कार्य में नहीं, उसके अंदर होते हैं। तो उसके गुणों को उसको समाज के बीच में लाना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, इसमें कोई भी दोराय नहीं है, इसमें कोई भी कोई अटपटा या नई चीज नहीं है। तो बहुत सारे लोग समय से इंतजार करते हैं, पूछते रहते हैं कि कब आप आएंगे, कब आएंगे। मुझे कई लोग कॉल आते रहते हैं, बड़े दूर से भी कॉल आते हैं कि आप आइए, हमारी मदद कीजिए। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि देखिए मैं अकेला व्यक्ति कहाँ कहाँ जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमें मिल नहीं रहा है जिस तक हम, जिसके माध्यम से अपनी बात हम रख सकें। तो ये एक समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि एक, मतलब एक व्यक्ति पे डिपेंडेंट लोग रहे हो जाएं तो ये बात ठीक नहीं है। इसलिए हमें मल्टीपल लोगों को तैयार करना पड़ेगा और इसीलिए राष्ट्रीय एकता बल की हमने संगठन की गठन किया है कि मल्टीपल लोग तैयार हो सके समाज में लोगों की आवाज उठाने के लिए। तो आप सब लोग भी इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा रोज थोड़ा थोड़ा लाइव आना, 10-15 मिनट के लिए, ताकि आपके बीच में वापसी करने का जो एक टाइम है वो रिकवर हो सके, क्योंकि 1-2 महीने में मुझे वापसी आना है। तो तब तक आप लोगों के साथ लाइव मुद्दों पे हम बात करेंगे, पंचायतों में भ्रष्टाचार को लेकर बात करेंगे, क्या कितना खत्म हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ है, लोगों की समस्याएं समाधान हो रही है कि नहीं हो रही है, लोगों के जो काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और भी कई तरह की समस्याएं लोगों की रहती हैं, उनको भी लेकर हम बात करेंगे। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जीवनुसार न्यूज हमेशा आपके साथ, हमेशा आपके प्यार के लिए, हमेशा आपके विश्वास के लिए, हमेशा हम साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।